में भगवान राम केवट को आदेश नहीं देते कि नाव लाओ, केवट से नाव मांगते हैं, मानो श्रमिक के श्रम का सही मूल्यांकन भगवान ने किया कि नाव पर तो तुम्हारा अधिकार है, तुम अगर चाहो तो हमें पार उतार सकते हो, हम नाव मांग रहे हैं। केवट ने सुना तो आंखों में आंसू आ गए, हृदय भाव से भर गया, क्योंकि उस बिचारे ने तो जिंदगी भर आदेश का स्वर सुना था, पर कोई नाव पहली बार मांग रहा था और नाव मांगते देखकर उसके मन में निश्चय हो गया कि ये नर रूप में नारायण है। जो श्रमिक के श्रम का इतना सही मूल्यांकन कर सके वे तो भगवान ही हो सकते हैं। कहा ही तुम्हार मरम मैं जान गया। भगवान कहते नाव इधर लाओ, केवट उधर ले गया। भगवान ने कहा इधर ले आओ, पर नहीं लाऊंगा, मैं जानता हूं आपके बारे में अच्छी तरह। अब भगवान को तो हंसी लगी, लक्ष्मण जी को बड़ा बुरा लगा, श्री जानकी जी भी चुप। अच्छा बोलो, राम जी की जगह दूसरा कोई होता तो बड़ा दुखी होता कि आज ऐसे दिन भी आ गए, केवट नाव नहीं ला रहा है। दूसरा कोई होता तो ये सोचता कोई बात नहीं, दिन खराब है, समय की बात है, अच्छे दिन आने दो, सबसे पहले तुम ही को देखेंगे। पर भगवान हंस रहे, भी हंसे करुणाएं, गम को सहने में भी कुदरत ने मजा रखा है। एक कवि ने कहा कि दिल दे तो इस मिजाज का परवर दिगार दे, जो रंज की भी घड़ियां खुशी से गुजार दे। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, केवट नाव के लिए मना कर रहा। एक महात्मा से किसी ने कहा कि हम बहुत परेशान रहते हैं और परेशानी से मुक्त होने का उपाय बताओ। महात्मा बोले शान से परे हो जाओ, परेशान रहोगे ही नहीं, ये परेशान तो शान ही किए हैं, हमें मना कर दिया, हमको 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 और हमारे लिए तो हम, ये हम ही परेशान किए हैं। भगवान मुस्कुरा रहे हैं और केवट क्या कर, हम आपके बारे में अच्छी तरह जानते हैं। ये जानना तो वैसे हुआ, एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थी से कहा कि तुम्हारे पिताजी 5,000 रुपए हमसे उधार लें 3 रुपए प्रति सैकड़ा ब्याज की दर से, तो 6 महीने बाद कितना लौटाएंगे हिसाब लगाकर बताओ। तो विद्यार्थी बोला सर एक नया पैसा नहीं। तो अध्यापक ने कान पकड़ के तमाचा लगाया, बोले क्यों रे तू हिसाब नहीं जानता, गणित नहीं जानता। विद्यार्थी बोला सर मैं तो हिसाब गणित जानता हूं, पर आप मेरे बाप को नहीं जानते, उसने जिसका लिया है दिया है आज तक, जो आपका ही देगा। अब कोई ऐसे कहे कि हम आपके बारे में अच्छी तरह जानते हैं तो यही लगे कि ऐसा क्या हुआ जो ये जानता है। पर राम जी मुस्कुरा रहे हैं बेहसे, और श्री लक्ष्मण जी जानकी जी की ओर देखकर मुस्कुराते कि तुम भी मुस्कुराओ, काहे को ऐसे उदास क्यों हो। भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण ऐसा विचित्र भक्त देखा जिसे मैं बुलाऊं और ना आवे। लक्ष्मण जी तो मौके की तलाश में थे, खींच रहे थे। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु आपके जितने भक्त होते सब ऐसे ही होते, जो आपका कहना ना माने वही आपके भक्त। भगवान ने कहा यही विचित्र भक्त है, दूसरा कौन का, दूसरे सुमंत जी। सुमंत जी रथ में बैठे, ये नाव में बैठा है। सुमंत जी को भेजते हो कि अयोध्या जाओ और केवट को बुलाते हो कि नाव लेकर आओ, तो जिसे भेजते हो वो जाता नहीं और जिसे बुलाते हो वो आता नहीं है, ना ये कहना माने ना वो कहना माने। और लक्ष्मण जी के इस व्यंग पर जानकी माता भी मुस्कुराई, राम जी को भी हंसी आई। पर राम जी ने कहा लक्ष्मण किसी दुकानदार का सगुन सवेरे सवेरे बिगड़ जाए, उधार मांगने वाला आ जाए तो बेचारा क्या सोचता है कि कहां से कहां तुम सवेरे सवेरे आ गए, अब दिन भर उधारी का ही सामना करना पड़ेगा, सगुन बिगड़ गया। तो भगवान श्री राम जी ने कहा कि लक्ष्मण इसी तरह मेरी यात्रा का सगुन बिगड़ गया, जब मैं चला
तो वनवास केवल मेरे लिए हुआ था, 14 वर्ष राम वनवासी। लक्ष्मण तुम्हारा भी वनवास नहीं था, श्री सीता जी का भी वनवास नहीं था, तो मैंने तुम दोनों को मना किया कि नहीं कि हमारे साथ वन मत चलो? दोनों बोले हां किया तो था। राम जी बोले तो फिर आप दोनों ने हमारा कहना माना? दोनों बोले नहीं माना। राम जी बोले हम तभी समझ गए थे कि जब यात्रा के शुरू में ये हाल है, जब अपने घर के ही लोग कहना नहीं मान रहे तो आगे जितने मिलेंगे सब ऐसे ही मिलेंगे। पर भगवान ने कहा कि श्री लक्ष्मण और श्री जानकी जी से कि आप दोनों ने कहना इसलिए नहीं माना क्योंकि मेरे प्रति प्रेम है, प्रेम के कारण कहना नहीं माना। तो मुझे लगता है कि केवट भी प्रेमी ही होगा, वो भी कहना नहीं मान रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा इसमें प्रेम तो दिख नहीं रहा है। भगवान ने कहा केवट के जीवन में प्रेम का दर्शन है, प्रेम का प्रदर्शन नहीं है। जैसे हम लोगों का होगा जो मिले उसी से, अरे आप तो हमें प्राणों से अधिक प्रिय हो, सच कह रहे हैं प्राणों से अधिक प्रिय, और एक से ही नहीं कहेंगे दूसरे से कहेंगे थोड़ी देर बाद, फिर अरे भैया प्राणों से ज्यादा प्रिय, दिन में 10-20 से कह देते प्राणों से अधिक प्रिय हो। ये तो भगवान की बड़ी कृपा है कि प्राण ये सुनकर नाराज नहीं होते, नहीं कहीं प्राण नाराज हो जाए कि हमसे ज्यादा प्रिय है तो इन्हीं को रखो अब हम जा रहे हैं, कोई नहीं कहेगा। केवट के जीवन में प्रेम का दर्शन है। लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज इसका प्रेम तो आप ही समझो। अच्छा केवट क्या सोच रहा है? केवट जान गया है कि आप भगवान हैं,